नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं रेलवे की महत्वपूर्ण जीके जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय रेल के पूर्वी रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों, कोलकाता में स्थित है पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है, भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका आंसर है समझौता एक्सप्रेस। क्या? समझौता एक्सप्रेस चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारतीय रेलवे की उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका आंसर दोस्तों जयपुर में स्थित है, जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में है, भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह दोस्तों हाजीपुर बिहार में स्थित है। कहां पर? हाजीपुर बिहार में स्थित है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, हॉस्पिटल ऑन व्हीकल किस ट्रेन को कहा जाता है, हॉस्पिटल ऑन व्हीकल किस ट्रेन को कहा जाता है? तो इसका आंसर है लाइफ लाइन एक्सप्रेस को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में है, पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका आंसर है बम्बई शहर महाराष्ट्र में स्थित है, बम्बई शहर महाराष्ट्र में। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में पहली बार ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी, भारत में पहली बार ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों 1853 में चलाई गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे की शुरुआत में गति कितनी थी, भारतीय रेल की शुरुआत में गति या स्पीड कितनी थी? तो इसका आंसर दोस्तों 34 किलोमीटर कितनी थी, 34 किलोमीटर थी। दोस्तों यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है, यह धोखे से टाइप हो गया, बाय मिस्टेक। इसके बाद नौवां प्रश्न है, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका नाम है दोस्तों गतिमान एक्सप्रेस है। दोस्तों इसके पहले चद्दू चलती थी, वो थी शताब्दी एक्सप्रेस भोपाल से दिल्ली, वो अभी भी चलती है, लेकिन वह दूसरे नंबर पे आ गई है, सबसे तेज गतिमान एक्सप्रेस हो गई है। इसके बाद अगला प्रश्न, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हीकल नाबक परियोजना शुरू करने की घोषणा की है, यह किस वर्ष की थी, घोषणा किस वर्ष की थी, शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों 2004 में इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में स्थित है, रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ किसमें, बिहार राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर दोस्तों 1950 में किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न है, मेट्रो रेलवे सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई, मेट्रो रेलवे सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर दोस्तों 1984 में की गई थी, 1984 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है, रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त तो होता है? तो इसका आंसर दोस्तों रेल परिवहन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? इसका आंसर है बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था, रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो इसका आंसर दोस्तों यह 1900
24 में किया गया था। 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? तो यह दोस्तों है भारतीय रेलवे। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेल कब चलाई गई थी? विश्व में प्रथम रेल कब चलाई गई थी? तो दोस्तों यह चलाई गई थी 1825 में। कब? 1825 में चलाई गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? दोस्तों रेल इंजन के आविष्कारक हैं जॉर्ज स्टीफेंस। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो इसका आंसर दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, अभी तक चलने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है जो अभी तक भी सेवा दे रहा है? तो इसका नाम है दोस्तों फेरिक्यून है, जो कि भारत में चलता है। इसके बाद अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों जॉन माथई ने किया था। किसने? जॉन माथई ने किया था। दोस्तों इसके साथ ही यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।